करे विकास, बंधक गैंग करे फसाद, देश भर रहा उड़ान तो विपक्ष परेशान, देश आगे बढ़ रहा विपक्ष घर में लड़ रहा। देश को आज वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मिलने वाला है, एशिया के इस सबसे बड़े एयरपोर्ट की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन धरना गैंग को शायद देश के सम्मान गौरव गरिमा से कोई सरोकार ही नहीं है। इसलिए विकास की बात ना कर, फसाद का नया रास्ता खोज रहा षड्यंत्रकारियों का मुखौटा बन चुके राकेश टिकैत ने 17 नवंबर की अपनी प्लानिंग के बारे में इजहार किया है। टिकैत एंड गैंग अब 27 नवंबर को बैठक करने वाले हैं। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। सुना है आपने टिकैत गैंग के मंसूबों के बारे में। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद छटपटाहट इतनी है कि हर हाल में लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए कभी 29 नवंबर को संसद पहुंचने की बात करते हैं तो अब 27 नवंबर को बैठक में आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी और केंद्र सरकार को कैसे घेरना है उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल। सड़कों पर चंद लठैत ऐसे ही दादागिरी नहीं मचा रहे हैं, उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा है, सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो अन्य के जीवन के लिए अन्न उगाता है। हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। यूपी में चुनाव है, विपक्षी दल किसान आंदोलन को भड़का कर सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिन्हें न जेवर एयरपोर्ट नजर आता है और न ही पूर्वांचल एक्सप्रेस, उन्हें बस नजर आती है तो सत्ता की कुर्सी, जिसके लिए देश के अन्नदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी को मिला जेवर, विपक्ष ने दिखाए तेवर। यूपी की तरक्की से विपक्ष को मिर्ची क्यों? यूपी चुनाव में बेहद कम समय बचा है और विपक्ष सत्ता के लालच में इस कदर बौखला गया है कि मोदी सरकार योगी सरकार के हर काम पर अपना दावा ठोक रहा है। तस्वीरें जेवर से सटे बुलंदशहर की है, जहां शहर के मुख्य चौराहे, जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स लगे हैं। इन होर्डिंग्स में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और लिखा है, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन अब तो बीजेपी सरकार बेचेगी कब, 22 में अखिलेश आएंगे और एयरपोर्ट को बचाएंगे। यूपी चुनाव से ठीक पहले जेवर एयरपोर्ट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया था, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीजें हम आप सबको सामने। वहीं यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, अखिलेश जी 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे, हार्दिक बधाई। ये पहली बार नहीं है जब योगी राज में हुए यूपी में विकास पर समाजवादी पार्टी की नजर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के काम को अपना बताकर या फिर उस पर सियासत कर अखिलेश यादव 2022 चुनाव में सत्ता का रास्ता ढूंढ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।